नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया हूँ। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को अपडेट कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ छात्रों का डाउट है परीक्षा पैटर्न को लेकर, वो आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही में दोस्तों, कुछ लोग इससे जो नोटिस आया था उसको फेक बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, जितने भी यहाँ पर सेक्योरिटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो लास्ट ईयर की तरह यानी कि 2021 की तरह 50% कर दिया गया है। आपका एग्जाम पैटर्न 50% कर दिया गया है, आपको वही 1.5 घंटे का टाइम देखने को मिलेगा। साथ ही में दोस्तों, जो यूनिट की बाध्यता है वो आपके लिए 18 दी गई है। साथ ही में जो आपका पेपर खंड में आता था पहले, वो इस बार आपको खंड में देखने को नहीं मिलेगा। उससे पहले आपको यहाँ पर एक नोटिस देख सकते हो, ये नोटिस दोस्तों सेक्योरिटी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से जारी हुआ है। साथ ही में दोस्तों, इसके बाद ये ई पेपर भी देख सकते हो, ये भी बिल्कुल एक तरह से ई पेपर है जिसमें बिल्कुल क्लियर है कि जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसको लास्ट ईयर की तरह 50% कर दिया गया है। उसी के बाद दोस्तों, आप सभी के डाउट आ रहे हैं आपके प्रैक्टिकल को लेकर, आपके एग्जाम परीक्षाओं को लेकर। सबसे पहले आपके एग्जाम के लिए बात करते हैं। तो दोस्तों, जो आपके एग्जाम करवाए जाएंगे वो इन नोटिस और ई पेपर में भी क्लियर है। जो आपके एग्जाम करवाए जाएंगे वो दोस्तों मई के 2nd वीक में स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि आप मान लीजिए 8 मई से स्टार्ट हो जाएंगे आपके एग्जाम, यानी 8 मई से 15 मई के बीच में कभी भी आपके जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन यहां पर क्लियरली बोला जा रहा है कि जो आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे वो मई के 2nd वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के बाद दोस्तों, आप सभी का काफी बड़ा डाउट है आपके प्रैक्टिकल को लेकर। एक डाउट तो मैं आपका क्लियर कर देता हूं, इस बार जो आपका प्रैक्टिकल होगा दोस्तों वो यूजी एंड पीजी की जो आपकी मेन परीक्षाएं होने वाली है जो कि मई के 2nd वीक में होंगी, उसी से पहले दोस्तों आपका एग्जाम प्रैक्टिकल करवा लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस नोटिस में साथ में ई पेपर में ये बिल्कुल क्लियर नहीं किया गया है कि जो आपका एग्जाम प्रैक्टिकल है वो आपका रिकॉर्ड फाइल के आधार पर करवाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने कल ही नोटिस जारी किया है और उस नोटिस में बिल्कुल क्लियरली है कि जो छात्रों के प्रैक्टिकल होंगे वो ओनली प्रैक्टिकल फाइल के आधार पर ही करवाया जाएगा। लेकिन सेक्योरिटी यूनिवर्सिटी ने ऐसी कोई राहत नहीं दी है आप सभी छात्रों को। बाकी दोस्तों, अगर आगे जाकर कोई ऐसी अपडेट आती है कि आपका जो प्रैक्टिकल होने वाला है वो रिकॉर्ड फाइल के आधार पर होने वाला है तो आपको बिल्कुल अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल ऐसी कोई अपडेट नहीं है जिसमें बिल्कुल क्लियर देख सकते हो। अगर वो चाहते तो वो क्लियरली लिख भी सकते थे नोटिस में कि आपका जो प्रैक्टिकल होने वाला है वो प्रैक्टिकल फाइल के आधार पर ही होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। इससे बिल्कुल जाहिर है कि आपका जो प्रैक्टिकल होने वाला है वो शायद आपके विश्वविद्यालय के स्तर पर या बाहर से कोई एक्सटर्नल भी आपके लिए आ सकता है। बाकी दोस्तों, एक और बड़ी बात है आप सभी छात्रों के लिए, इस बार आपको खंड बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगे पेपर में। जिस प्रकार से आपको जैसे खंड ए आता है, खंड ब आता है, खंड स आता है, इस प्रकार से आपको मतलब कि जो खंड है वो पेपर में देखने को नहीं मिलेंगे, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। उसी के बाद दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप सभी छात्रों के लिए, इस बार जो आपका एग्जाम पेपर बनेगा उस पेपर में आपका 100% सिलेबस आएगा। लेकिन दोस्तों, जो पेपर बनने वाला है आपका 100% सिलेबस में बनने वाला है, लेकिन उसमें से आपको अटेम्प्ट करना होगा 50%। आप ये मत सोचना कि आपके लिए 50% ही जारी किया जाएगा और उसमें ही आपको सभी क्वेश्चन करने होंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको 100% सिलेबस में पेपर बना कर दिया जाएगा और उसमें MCQ मेथड से आपका पेपर होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेथड से। जैसे 10 क्वेश्चन मान लीजिए, 10 क्वेश्चन में अगर आपको अच्छी तरह से 5 क्वेश्चन आते हैं तो आप 5 क्वेश्चन कर सकते हो। इस प्रकार से आप सभी छात्रों को राहत दी गई है। बड़ी बात तो यही है कि दोस्तों आपका 50% सिलेबस कर दिया गया है। बाकी देखो, एक बड़ी यूनिवर्सिटी यानी कि MSBU महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी ने ओनली 70% यानी कि 30% सिलेबस की छूट दी है छात्रों को, तो ये एक तरह से देखा जाए तो गलत भी है। बाकी दोस्तों, आगे जाकर अगर कोई ऐसी अपडेट आएगी आपकी परीक्षाओं को लेकर तो आपको सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा और आपका कुछ ही दिनों में टाइम टेबल भी जारी होने वाला है। फिलहाल MLSU मोहनलाल सुखोड़िया यूनिवर्सिटी ने जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिया, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न भी उसने ही जारी किया था। तो आप थोड़ा वेट करिए, जब भी आपका एग्जाम टाइम टेबल जारी होगा तो सबसे पहले वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।